दोस्तों आई होप आप अपने घर पे सेफली बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, पर जब से ऑफिसेज बंद होना शुरू हुए हैं, कई सारे सिटीज़ लॉकडाउन में आ गए हैं, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, कई सारे बिजनेसेस को भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सब तो हम डिस्कस करेंगे, पर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि यार कौन से स्टार्टअप्स और बिजनेसेस क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट और लोगों की मदद करने के लिए। इसके अलावा इस हफ्ते एक नया OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है और कई सारे फंडिंग और एक्विजिशन तो हुए ही हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब हम ये वीडियो जल्द से शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप अपने घर पर रहें, इसको एज अ वेकेशन या पिकनिक ना माने, इधर उधर फालतू का घूमे नहीं। यही टाइम है अपने ऊपर काम करने का, नए नए स्किल सीखने का, अपने स्टार्टअप के आइडिया के ऊपर काम करने का। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए। और अभी जैसे रिसेंटली नाइकी ने बोला कि यार अगर आपका सपना था कि यार आप मिलियंस ऑफ लोगों के लिए खेलने का, तो यही मौका है आपके पास इम्पैक्ट डालने का, तो अपने घर पर प्लीज रहना। तो पहले न्यूज़ में हम डिस्कस करते हैं कि यार स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है जब से ऑफिसेज बंद हुए और लॉकडाउन शुरू हुआ। तो जो भी ट्रैवल रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, जैसे GoIBIBO, मेक माई ट्रिप, इनकी तो हालत बहुत ही ख़राब है। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए। सिर्फ यही नहीं, ओयो को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो वैसे ही काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में थी, और अब तो यार इतने सारे कैंसिलेशन हो रहे हैं, पता नहीं अपने आप को ओयो कैसे संभालेगा। इसके अलावा जो कैब हेलिंग स्टार्टअप हैं जैसे ओला उबर, इनको भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब तो दिल्ली और कई और स्टेट्स में इन्होंने अपनी सर्विसेज बंद भी कर दी हैं। कोवर्किंग स्पेसेस को भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है प्राइवेट कंपनीज़ को अपना ऑफिसेज बंद करने को, तो कोवर्किंग स्पेस में हार्डली कोई लोग आ रहे हैं। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप जिनका ऑफलाइन में प्रेजेंस है, इन सारे स्टार्टअप्स को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, पर होपफुली ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और जल्दी से सब ठीक ठाक हो जाएगा। पर कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो खुद से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, जैसे एंजेलिस्ट ने 50 लाख का फंड बनाया उन स्टार्टअप्स के लिए जो इस इश्यू पे काम कर रहे हैं। वैसे ही पेटीएम ने 5 करोड़ का फंड बनाया इंडियन रिसर्चर्स के लिए। इसके अलावा कई स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने मिलकर क्वारंटीन ऐप बनाया जिससे गवर्नमेंट उन लोगों को ईजिली ट्रैक कर पाए जिनको बोला गया सेल्फ क्वारंटीन करने के लिए। विंगीफाई के फाउंडर्स ऑनलाइन हैकाथॉन्स कर रहे हैं स्टार्टअप्स और नॉर्मल लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि यार वो अपने होटल्स को क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाने के लिए तैयार है अगर रिक्वायरमेंट्स पड़ी तो। इसके अलावा पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने बोला कि यार वो अपनी 2 महीने की सैलरी देंगे उन लोगों को जिनका कंसिस्टेंट इनकम नहीं है और उनको अभी पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि यार चाहे हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ, पर सारे एज अ कम्युनिटी मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी न्यूज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार बिजनेसेस को कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जब से ये लॉकडाउन हुआ है। तो यार दुनिया भर के बिजनेसेस की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पिछले 40 दिनों में एप्पल का जो मार्केट कैप है वो करीब $432 बिलियन कम हुआ है। इसके अलावा दुनिया के जो 500 सबसे रिचेस्ट लोग हैं उन्होंने मार्च में उनका करीब $200 बिलियन से ज़्यादा लॉस हुआ है। मुकेश अंबानी का तो यार नेटवर्थ एक टाइम पे $58 बिलियन था, एशिया के रिचेस्ट मैन थे, पर अब उनका नेटवर्थ $33 बिलियन हो गया। स्टॉक प्राइस भी रिलायंस का काफ़ी कम हो गया। पिछले साल रिलायंस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपये क्रॉस किया था, अभी उनका मार्केट कैप गिर के 5.59 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि यार कितना ज़्यादा लॉसेज फेस कर रही हैं बिजनेसेस, पर बिजनेसेस भी इस प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस कर रही है। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने जब एक आर्टिकल पढ़ा कि यार इंडिया में वेंटिलेटर्स का बहुत बड़ा शॉर्टेज हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि यार बहुत जल्दी महिंद्रा की फैसिलिटीज़ ये सारे वेंटिलेटर्स बनाना शुरू करेगी। उन्होंने ये भी बोला कि यार महिंद्रा के जो हॉलीडे रिसॉर्ट्स हैं उसको वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने अपना सैलरी भी डोनेट किया इस कॉज के लिए। इसके अलावा मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस ने इंडिया का पहला डेडिकेटेड COVID-19 के लिए हॉस्पिटल अभी शुरू किया है। ये 100 बेड का फैसिलिटी अभी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक आइसोलेशन फैसिलिटी भी महाराष्ट्र में शुरू किया है और उन्होंने बोला है कि जो भी इमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स हैं उनके लिए रिलायंस फ्री में फ्यूल प्रोवाइड करेगा, और जो रिलायंस के खुद के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको वो 1 महीने में 2 बार सैलरी देगा ताकि उनका कैश फ्लो ना रुके। और उन्होंने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर फंड में 5 करोड़ रुपये डोनेट भी किया है। तो महाराष्ट्र में तो अभी इसके काफ़ी केसेस पॉजिटिव हुए हैं, तो रिलायंस और दूसरे इंडियन बिजनेसेस अब फुल ऑन इसको टैकल करने के मोड में आ चुके हैं। तो होपफुली यार ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी और हमारा इकॉनमी ऑन ट्रैक आ जाएगा। तो यार वैसे तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि यार आप कौन से और कितने चैनल सब्सक्राइब करें, चाहे 5 YouTube चैनल सब्सक्राइब करें या 10 YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, पर यार स्टार्टअप ज्ञान YouTube चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। प्लस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं अलग स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोज़ और पोस्ट शेयर करता हूँ। प्लस वहाँ अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि यार वहाँ पर एंगेजमेंट ज़्यादा होती है।
तीसरी न्यूज़ ये है कि यार अब डिस्कवरी ने भी OTT सेगमेंट में एंट्री मार ली है और उन्होंने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस लॉन्च कर दिया है। तो यार अभी करीब 40 से भी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ऑलरेडी हैं, तो डिस्कवरी ने सोचा क्यों ना हम भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लें। तो अब अगर आपको नर मादा की कहानियाँ, लड़ाइयाँ ये सब देखना है, अब आप 24x7x365 देख सकते हो। तो डिस्कवरी प्लस में करीब आपको 40 जॉनर का कॉन्टेंट मिल जाएगा, जैसे साइंस, एडवेंचर, लाइफस्टाइल, फूड इत्यादि, और कई सारे जो उनके TV चैनल्स हैं जैसे डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट, BBC, TLC, डिस्कवरी टर्बो, ट्रैवल चैनल, मोटर ट्रेंड, ये सारे चैनल के कंटेंट आपको डिस्कवरी प्लस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो ये भी उन्होंने हॉटस्टार की तरह प्रीमियम बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं। फ्री में आप कुछ कंटेंट देख सकते हो, पर उनका प्रीमियम प्लान 299 रुपीज़ एक साल का है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है। इनके ऐप्स भी अवेलेबल है एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोस्ट ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म फिक्शनल कंटेंट पे फोकस करती है, पर डिस्कवरी में आपको सारा कंटेंट नॉन फिक्शन कैटेगरी का मिलेगा। तो अगर आपको नॉन फिक्शन वाले कंटेंट में इंटरेस्ट है तो डिस्कवरी प्लस को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और इन्होंने शुरुआत से ही वर्नैकुलर लैंग्वेजेस पे फोकस करना शुरू कर दिया, करीब 8 वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी लॉन्च कर दिया। मोस्ट ऑफ द कंटेंट इंग्लिश और हिंदी में है, पर धीरे धीरे दूसरे लैंग्वेजेस में भी वो अपना कंटेंट लाइब्रेरी एक्सपैंड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इतने कॉम्पिटेटिव OTT सेगमेंट में डिस्कवरी प्लस सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार ओयो ने अपने सीरीज एफ राउंड में 806.75 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज कर ली है। तो यार जो अक्टूबर 2019 में उन्होंने अपना सीरीज एफ राउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स अनाउंस किया था, तो उसका ये फर्स्ट ट्रांच है जो अभी ओयो को मिला है। तो इसमें करीब 506.75 मिलियन डॉलर्स सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया है और 300 मिलियन डॉलर्स ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने खुद अपने केमन आइलैंड्स बेस्ड कंपनी RA हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स के थ्रू करी है। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि यार ओयो की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को फायर कर चुके हैं इंडिया, चाइना, UK में, क्योंकि सॉफ्टबैंक उन पर प्रेशर डाला है जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल होने के लिए। और अब तो यार जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों ने अपने सारे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं, तो उससे ओयो का और लॉसेज होगा। तो देखते हैं कि यार उनको फर्स्ट ट्रांस तो मिल गया है, पर अब वो सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट ने अपने सीरीज D2 राउंड में 110 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 832 करोड़ की फंडिंग उठा ली है और उनका वैल्यूएशन तो यार इस फंडिंग राउंड से पहले ही 575 मिलियन डॉलर्स था, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो क्योरफिट जैसे कि आपको पता है उनकी शुरुआत 2016 में मिंत्रा के कोफाउंडर मुकेश बंसल और फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय अंकित नगोरी ने करी थी। क्योरफिट ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल पे काम करता है और वो फिजिकल फिटनेस कल्टफिट के थ्रू, मेंटल फिटनेस mind.fit के थ्रू, न्यूट्रिशन eat.fit और अभी वो प्राइमरी केयर के वर्टिकल care.fit में भी एक्सपैंड कर चुके हैं। अपने eat.fit के वर्टिकल के अंडर उन्होंने hold.fit का सर्विस अभी शुरू किया है, जिसके थ्रू आप ग्रॉसरी और हेल्दी पैकेज फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो यार जब से ये लॉकडाउन चल रहा है उनके सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं, पर आप फ्री में उनके ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से वो कौन से नए सेगमेंट में एंट्री मारते हैं और कौन से नए नए सिटीज में एक्सपैंड करते हैं। अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स में खरीदा। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ ये है कि यार गुरुग्राम बेस्ड हाइपर लोकल सर्विसेज प्रोवाइडर स्टार्टअप अर्बन कंपनी ने ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑन डिमांड ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइडर स्टार्टअप ग्लैमेजॉन को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में खरीद लिया है। तो अर्बन कंपनी, जिनका पहले नाम था अर्बन क्लैप, उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है रिसेंटली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑपरेशंस पिछले साल अक्टूबर को लॉन्च किए थे, तो ये उनका ऑस्ट्रेलिया के ब्यूटी मार्केट में और मार्केट शेयर गेन करने का तरीका है। तो ग्लैमेजॉन, जिनकी शुरुआत 2016 में हुई थी, आप उनके थ्रू ऑनलाइन सैलॉन बुक कर सकते थे और अपने घर पे भी ब्यूटिशंस को बुला के उनके सर्विसेज ले सकते थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यार अर्बन कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी, उसके बाद उन्होंने कई डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपैंड कर लिया था, पर अभी उनका मेन फोकस ब्यूटी और होम सेगमेंट में है। तो धीरे धीरे अब वो इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करना शुरू कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने बता दिया, पर 2018 में उन्होंने अपनी सर्विसेज दुबई में भी लॉन्च करी थी। तो यार अभी लॉकडाउन की वजह से अर्बन कंपनी की भी सर्विसेज काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है, क्योंकि यार वो ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी काफ़ी हद तक अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी है। प्लस वो धीरे धीरे इंटरनेशनली एक्सपैंड तो कर रहे हैं पर उनके लॉसेस कम नहीं हो रहे, रेवेन्यू ज़रूर बढ़ रहा है पर वो लॉसेज अपना उतना कम नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं कि यार इस एक्विजिशन की मदद से वो ऑस्ट्रेलिया में कितनी तेज़ी से एक्सपैंड कर पाते हैं और कब तक प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जल्दी आकर फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू बनाऊँ, बैरोज बिरयानी वर्सेज बिरयानी ब्लूज वर्सेज बिरयानी बाय किलो, इन तीनों बिरयानी कंपनीज के बिरयानी को कंपेयर करूँ और रेट करूँ उनको उनके क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी और सर्विस पे। तो अगर आप डिटेल में इन बिरयानी स्टार्टअप्स का रिव्यूज चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ यार, मैं इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, अपने घर पे रहो, फालतू में इधर उधर घूमो मत, नई नई चीज़ें सीखो, अपने स्टार्टअप पे काम करो, ये टाइम आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। तो आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।